जय हिंद। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज के वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि यह हमारी बॉडी में नॉर्मल कितना होना चाहिए, अगर इसकी कमी होती है तो किस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, और साथ ही साथ अगर ये हमारी बॉडी में इसकी अधिकता होती है अर्थात ये मैक्सिमम नंबर से हो जाता है तो किस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल से बिल्कुल समझ लिया होगा कि आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं और किस प्रकार ये हमारे ब्लड को क्लोट करने का कार्य करती हैं, हमारी बॉडी में ब्लड क्यों क्लोट नहीं करता है जबकि कहीं पे अगर ब्लीडिंग होने लगता है तो कुछ समय के बाद वो ब्लड क्लोट कर जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि यह ब्लड क्या है और ब्लड में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, ब्लड आप लोग ब्लड से तो परिचित होगी, ब्लड से आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जानकारी आपको होगी, और कुछ ना कुछ जानकारी क्या, कहीं पे भी अगर आपको चोट लगी होगी तो आप लोगों को एक लाल कलर का लिक्विड चिपचिपा पदार्थ आपकी बॉडी से निकलता हुआ दिखा होगा, उसी को हम ब्लड कहते हैं। इसमें कुछ जानकारी आपको ये नोट करनी है कि इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। याद रखना, हम ब्लड को क्या कहते हैं, एक संयोजी ऊतक है। सबसे पहले आप ये समझो कि इसे हम ऊतक क्यों कहते हैं, ऊतक का मतलब क्या होता है। ऊतक अर्थात टिश्यू होता है। इस टिश्यू का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारी सेल्स ग्रुप्ड हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और किसी सिमिलर टास्क को, किसी सिमिलर फंक्शन को करती हैं, तो उसी को हम ऊतक कहते हैं। ऊतक का मतलब कुछ और नहीं होता, बस सेलों का एक ग्रुप होता है जो एक सिमिलर टास्क को करता है, ठीक है। संयोजी का मतलब, कनेक्टिव का मतलब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन से लगा करके हमारे पूरे पैर तक यह ब्लड जो है एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए हम इसे संयोजी कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखना है। अगर दोस्तों बात किया जाए कि यह इसका कलर, कलर तो आप लोग देख ही रहे हो कि लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन आरबीसी के कारण, तो नहीं लिखना है वहां पे, कोई जरूरत इसकी नहीं है। अगर बात किया जाए इसके पीएच की, इसका पीएच दोस्तों याद रखना, इसका पीएच होता है 7.4। कहीं कहीं पे आपको 7.3 भी मिलता है तो आप लोग उसमें एकदम ये नहीं कहना कि सर नहीं गलत है सही है, ये 7.4 तो एकदम एग्जैक्ट डेटा है, कहीं कहीं पे हमने क्वेश्चंस भी देखा है तो पूछा गया था, तो 7.4 इसका पीएच होता है। अब एक बात मुझे जरा बताओ, आप लोगों ने एक पीएच स्केल पढ़ा होगा, इस पीएच स्केल में आपने ये पढ़ा है कि सर अगर बीच में जो ये 7 होता है तो उसे न्यूट्रल कहते हैं, तो 7.4 का मतलब क्या है, कुछ यहाँ पे होगा 7.4, यहाँ पे कुछ 7.4 है, और आपको पता है कि इस 7 से इधर जाने पे क्या होता है, एसिडिक होता है, इधर जाने पे क्या होता है, एसिडिक होता है, और इधर जाने पे क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, ये बेसिक होता है। तो इसका मतलब हमारा ब्लड कैसा है, हमारा ब्लड जो है वह बेसिक इन नेचर है। क्या है, हमारा ब्लड जो है वह बेसिक इन नेचर है, याद रखना इस बात को, हमारा ब्लड कैसा है, हमारा ब्लड बेसिक इन नेचर है। अगर इसे टेस्ट किया जाए तो इसका नमकीन, हल्का हल्का इसमें NaCl की मात्रा होती है इसलिए हल्का नमकीन के जैसा लगता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पीएच देख लिया, बेसिक इन नेचर देख लिया। अब बात किया जाए कि सर एक नॉर्मल बॉडी जो एक स्वस्थ पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, उसकी बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए, तो याद रखना दोस्तों उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा 5 से 6 लीटर उसकी बॉडी में ब्लड होना चाहिए, ये जानकारी आप सभी को अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए। अच्छा, और अगर बात किया जाए कुछ इसी ब्लड के बारे में और हम लोग बात कर लेते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि यह एक तरीके से क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है। इसके कुछ कार्य आपसे कथन और निष्कर्ष में ऐसे क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि इसका काम क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। पहली बात तो याद रखिएगा कि यह क्या करता है, ऑक्सीजन, जो हम लोग देखो सांस ले रहे हैं, तो ये जो सांस ले रहे हैं ना, तो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब गए हैं, और ये एल्वोलाई से क्या होगा, वहां से ये ब्लड जो है हीमोग्लोबिन उसे ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में हर सेल के पास पहुंचाने का कार्य करता है। तो पहला तो याद रखिएगा O2 के ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है, O2 के ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है। और दूसरी बात अगर दोस्तों बात किया जाए और सर इसका काम क्या होता है, ताप को नियंत्रित करता है, ताप नियंत्रण में भी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखो,
अभी देखो ठंडी आ गई, ठीक है, ठंडी आ गई है तो कहीं कौड़ा बढ़ रहा है। कौड़ा का मतलब वही जहाँ पे लकड़ी उकड़ी थोड़ा सा जला के लोग हाथ सेकते हैं। तो आप लोग हाथ ऐसे किए रहते हो ना, हाथ जब ऐसे किए रहते हो तो यहाँ पे हीट पड़ती है, लेकिन ये हीट आपको पता पूरी बॉडी में थोड़ा सा रिलैक्स फील कराती है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसे आप यहाँ खड़े हो, पता चला तो हाथ गर्मा गया और पीछे पीठ हमारा जो है वो उतने से ठंडा रहा है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि ये ब्लड के माध्यम से वो पूरा टेम्परेचर हमारी हर बॉडी के पार्ट में पहुंच जाता है, जिससे हमें थोड़ा सा ठंडी से राहत फील होती है, रिलैक्स फील होता है। ये भी जानकारी आपको पता चल गई, ठीक है। अच्छा, अगली बात अगर किया जाए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि ये ब्लड हमारी बॉडी का कुल कितने परसेंट वेट बनाता है, तो याद रखिएगा ये लगभग लगभग 6-7% आपका वेट बनाता है। कितना? 6-7%, 6-7% आपके पूरी बॉडी वेट का ये होता है ब्लड, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। 6-7% या फिर कहीं कहीं पे 7-8% भी लिखा है तो डेटा के पीछे उतना ज्यादा आपको नहीं भागना है, याद हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लो, इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। फिर क्या मैंने बताया, इसका पीएच क्या होता है 7.4, और ये बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि आप पीएच स्केल में देख रहे हो ये 7 के इस पार है, तो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। 5-6 लीटर एक एडल्ट अगर स्वस्थ आदमी है तो उसमें 5-6 लीटर ब्लड पाए जाते हैं, और O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ ताप को नियंत्रित करता है। 6-7% या फिर कहीं कहीं पे 7-8% इसका डेटा दिया रहता है, ये हमारी बॉडी वेट का ये कवर करता है। एक जानकारी आप लोग और लीजिएगा, पहले एकदम अच्छे से आप समझिए। देखिए, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं तो उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। कुछ लोगों को अभी भी नहीं पल्ले पड़ा होगा, आप जो खाते हो उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलता है, इतना समझ लो, ठीक है, एनर्जी मिलता है। तो एक बात याद रखना कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन एकदम छोटे पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट में जब ब्रेक होती है तो उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा तो उसे ग्लूकोज कहेंगे, और फैट जब ब्रेक होता है तो उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स इस ब्लड में घुल करके सेल तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि सेल क्या करे, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद रिएक्शन करे और वहां से वह एनर्जी अर्थात ATP के रूप में वह ऊर्जा प्राप्त करे। तो उसमें भी मददगार होता है, मतलब कि बहुत सारा जो हमारा एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स है, हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, उनको भी ये क्या करता है, अपने में घोल लेता है और सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है, सेल तक ले जाकर के पहुंचाने का कार्य करता है। एक बात और याद रखिएगा कि बहुत सारी प्रोटीन भी इसी में क्या होती है, घुली रहती है। बहुत सारी प्रोटीन इसी ब्लड में पाई जाती हैं, जिनका अलग अलग अपना अपना टास्क होता है, ये समय समय पे अपना अपना कार्य करती है। इतनी जानकारी आपको ब्लड के बारे में लेनी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हो गया, चलिए आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए, ये जो ब्लड होता है, आप पहले एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। अच्छा, पहले लिख देता हूं उसका फ्लो डायग्राम बनाता हूं। देखो यहां पे ये जो ब्लड है इस ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या, एक पाया जाता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा, और दूसरा इसमें क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, इसमें होता है ब्लड सेल्स कह सकते हैं, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 200% आपसे एक बार पूछा था, तो प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का कुल 55% बनाता है, कितना, 55%, जबकि ब्लड सेल्स जो होती हैं ये कुल 45% बनाती हैं। कुल कितना बनाती हैं, 45% बनाती हैं। अगर इस ब्लड सेल की बात किया जाए तो ब्लड सेल में कुल 3 सेल्स होती हैं मोस्टली, जिसे हम लोगों को पढ़ना और समझना है, क्या क्या, एक होता है RBC, एक होता है RBC जिसे आप लोग रेड ब्लड सेल कहते हो, और एक होता है WBC, एक होता है WBC, और तीसरे नंबर पे आता है ब्लड प्लेटलेट्स, क्या आता है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आता है। दोस्त, ये जो 45% में ये तीनों हैं, तो याद रखिएगा मात्र 44% जो है, 44% में कुल हमारा RBC होता है, जबकि 1% में जो है यह WBC और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। पहले इस फ्लो डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, इस तरीके से पहले समझ लो। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ध्यान से फिर से देखो, ये ब्लड हमारा है, इस ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड सेल्स पाई जाती हैं।
प्लाज्मा कितना होता है 55% होता है, जबकि ब्लड सेल कितना होता है 45% होता है। और इस ब्लड सेल की बात करें तो आरबीसी इसमें 44% होता है, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को मिला दे तो 1% होता है। आप इसे खूब अच्छी तरीके से पहले समझिए। देखिए जब कहीं भी हमारी स्किन कट होती है तो इसमें से आप लोगों को एक लाल लाल कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देता है। अगर उस लाल लाल चिपचिपे पदार्थ को अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाए, क्योंकि सेल बहुत ही छोटी होती है, आपको दिखेंगी नहीं, आपको सिर्फ यही दिखता है कि सर लाल लाल कोई गाढ़ा सा पदार्थ निकल रहा है, निकलने दो ऐसा तरह, ठीक है, आपको उतना ही दिखता है। लेकिन अगर उसका हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ये मिलता है कि उसमें और भी चीजें पाई जाती हैं। उसमें ज्यादातर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और फिर अगर इसके बाद ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप से देखो तब ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब ध्यान से समझो, एक एग्जांपल समझो, जैसे हमारे पास आपने वो देखा है जो डॉक्टर साहब ग्लूकोज का सुई लगा देता है, देखे हो, तो उसमें एक पतली सी पाइप होती है, पाइप देखो क्या नहीं, ठीक है, एक पाइप देखे हो। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो ध्यान से देखो, इसको समझ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारी। ये देखो ध्यान से, ये है वो बोतल, ऐसे करके एक तो हैंगर पे से लटका देता है डॉक्टर साहब, ऐसे करके एक हैंगर पे से लटका देगा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और इधर पेशेंट, यहाँ पे बेड, ये एक बेड है, इसपे पेशेंट लेटा है। यहाँ देखो मैंने जो पाइप होती है इसे ला करके चाचा के इसे हाथ में वो सुई लगा देगा, इसे ये ऐसे लगा देगा। तो यहाँ पे ये जो पाइप है ना, आप इसी पाइप से समझो, जैसे यहाँ पे जो ग्लूकोज भरा हुआ है एकदम व्हाइट है, पूरा पानी की तरह है, लेकिन उसमें क्या करता है, कभी कभी आपकी बॉडी में अगर किसी प्रकार का मेडिसिन और सीन डालना होता है तो वो क्या करता है, येलो कलर, जैसे मान लो कोई भी कलर मान लो, लेकिन आपको येलो कलर समझना है क्योंकि मुझे वही समझाना है, इसमें सुई लगा दिया तो ये पूरा पूरा पानी जो है ना वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हल्का हल्का पीला हो जाएगा, क्योंकि येलो कलर उसने डाला है। तो अभी देखो फाइनली क्या हो गया है, इस पाइप में आप जब दूर से देखोगे इसे करके तो आपको कैसा दिखाई देगा, पूरा पीला पीला दिखाई देगा, पाइप दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। अच्छा अब इसमें क्या है कि ये जो पीला वाला रीजन आप इस पाइप में जो देख रहे हो ना, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब इसमें और क्या होता है, इसमें छोटा छोटा आप एक समझो कि जैसे कुछ बच्चा लोग क्या करता था ना, एक दवा करके एक मेडिसिन करके कुछ मिठाई की जैसे मतलब कि जैसे जूस उस बच्चे नहीं लेते हैं, ऐसे करके एक मार्केट में आता था, अरे दवाई आप समझ लो भाई, दवा समझ लो डायरेक्ट, ठीक है दवा। लेकिन दवा में देखोगे तो दोनों तरफ से खुला रहता है, अगर मैं उस दवा को दबा दूं दोनों तरफ से पिचक जाए तो वो स्ट्रक्चर आप जरा ध्यान से समझो, कैसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये ऐसे करके दबा दिया तो ऐसे करके पिचक गया, ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर का कुछ इसमें होता है, उसे हम आरबीसी कहते हैं, तो इसी में वो सब घूम रहा है, बात समझ गए। और इसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, या एक अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर होता है तो वो भी इसी में घूम रहा है, और छोटी छोटी तस्तरी के जैसी नुमा संरचना जो है वो प्लेटलेट्स होता है। इसका मतलब ये है ये सब पाइप है, इस पाइप में पीला पीला जो घूम रहा है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी छोटी छोटी सेल्स होती है उसे हम आरबीसी कहेंगे। कॉनकेव के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, बाइकॉनकेव के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी में ब्लड प्लेटलेट्स होता है, और इसी में क्या होता है, इसी में डब्ल्यूबीसी भी एक अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर भी होता है जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलो इसे आप लोग नोट कर लेना, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहां तक चीजें हमारी हो गई है, आइए अब हम लोग समझते हैं इस प्लाज्मा के बारे में कुछ डेटा हमें नोट करना है। क्या क्या नोट करना है, पहले तो आपको दोस्त ये याद रखना है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, ये दिखता कैसा, सर ये दिखता है दोस्तों लाइट येलो, कैसा दिखता है, लाइट येलो दिखता है, ये आपको लाइट येलो दिख जाएगा, हल्का पीला दिखता है सर। और क्या काम होता है, अब ये 55% पूरी ब्लड का 55% है, तो इस 55% में दोस्तों क्या होता है, 90% तो ये वाटर होता है, 90% क्या होता है, वाटर होता है, लेकिन 10% क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ लोग का समझ में नहीं आओगे सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप क्या बता रहे हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब ये है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन उसे ऑर्गेनिक, जिसमें ना उसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो इसमें ये सब जो है इस वाले रीजन में इस प्लाज्मा में इस तरीके से इस परसेंटेज में पाया जाता है। अब ध्यान से समझो, जैसे हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, जैसे हमने केला खा लिया, तो केला से क्या मिलता है, केला से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या है,
एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, सेलुलोज, उसमें ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, वो जाकर के इसी में प्लाज्मा में घुला रहेगा और ये प्लाज्मा लेके जाएगा कहां तक, सेल तक। फिर सेल क्या करेगा, इसको उतार के ये ब्लड सेल्स हमारी जो है इसको ले जाकर के किसी सेल को दे देंगे और सेल अपना काम पूरा कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करता है, अपने में घुला रहता है। याद रखना, बहुत सारे सब्सटेंसेस को, बहुत सारी प्रोटीन को अपने में यह जो है घोला रहता है। इतनी जानकारी आपको बस याद रखनी है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या क्या याद रखोगे, प्लाज्मा हमारा लाइट येलो होता है, हल्का पीला होता है देखने में, और यह 90% इसमें वाटर से बना होता है, लेकिन 10% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें घुले होते हैं। इतनी जानकारी आपको बस प्लाज्मा के बारे में याद रखना है, उससे ज्यादा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग जो है सबसे पहले आरबीसी के बारे में समझ लेते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ लेंगे। अच्छा एक जानकारी मैं आपको यही, चलो अच्छा उधर ही दे देंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं सबसे पहले आरबीसी, क्या हो जाएगा भैया, आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी में देखिए क्या है, आरबीसी का फुल फॉर्म तो पहले याद रखिएगा क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर कुछ लोग इसे कहते हैं रेड ब्लड सेल। यह एक रुधिर कणिका है, जो पीला कलर का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया ना, उसी में छोटे छोटे कण हैं, उसी को हम आरबीसी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली बात तो याद रखिएगा इसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी को, ठीक है। अच्छा अगली जानकारी आपको क्या याद रखनी है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, प्लस न्यूक्लियस नहीं होता तो माइटोकांड्रिया भी नहीं होती, माइटोकांड्रिया नहीं होती, और क्या नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप कह रहे हो सर ये क्या बता रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न्यूक्लियस, माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होता, इसका मतलब जरा समझाओ। देखो आप दोस्त अगर अभी तक सेल के बारे में पढ़े तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक सेल के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा स्किप आउट कर रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, ये जो पूरी पूरी हमारी बॉडी है ना, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है जानते हो, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल। हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। अब सेल सेल से बनी है, हाँ सेल से बनी है। आप एक फिंगर में देखोगे तो बहुत सारी सेल है। आपको सर कहाँ दिखाओ, जरा दिखाओ, दिखेगा नहीं आपको, आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये काम रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ऐसे करके हमारी सेल होती है, ठीक है, ये सेल हो गई। तो इसी सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती है, अर्थात कोशिका के अंग होते हैं। तो अब कुछ के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, कुछ के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। हमारी बॉडी में जो आरबीसी पाई जा रही है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो याद रखना दोस्त, क्या याद रखोगे, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस से सटी हुई एक संरचना होती है जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो भी नहीं होगा। और अगर ये सब नहीं है तो हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए भी नहीं होगा। इतनी जानकारी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड पाउडर उसमें तो नहीं है सर, किसी में है क्या, हाँ बिल्कुल है, एक ऊंट होता है दोस्तों, क्या ऊंट, और एक होता है लामा, क्या होता है ऊंट और लामा, ऊंट और लामा के जो ब्लड होते हैं उसमें आरबीसी पाई, उसमें न्यूक्लियस वाली आरबीसी पाई जाती है। याद रखना इस बात को, इसमें आरबीसी भी होती है और साथ ही साथ केंद्रक भी होता है, अर्थात न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, आरबीसी भी होती है और केंद्रक भी होता है। अच्छा अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि एक मेल पर्सन है, ठीक है, तो इसकी बॉडी में सर आरबीसी होनी कितनी चाहिए, तो इसकी बॉडी में दोस्तों 50 से लेकर के 55 लाख तक, कितनी, 50 से 55 लाख तक आरबीसी होनी चाहिए। और अगर वो फीमेल है, क्या है, अगर वो फीमेल है तो उसकी बॉडी में 40 से 45 लाख जो है आरबीसी होनी चाहिए, 40 से 45 लाख आरबीसी होनी चाहिए। याद हो जाएगा, फीमेल में कितना होता है 40 से 45 लाख, और मेल में कितना होता है 50 से 55 लाख होना चाहिए। अगली जानकारी जरा ध्यान से सुनो, इस आरबीसी के पास,
इस आरबीसी के पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है, एक स्पेशल प्रोटीन होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? यही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैरियर है। इसे हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन कैरियर। ऑक्सीजन कैरियर का मतलब क्या है? यही हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के हर सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है यह हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन इसी आरबीसी में पाया जाता है। इतनी जानकारी नोट करके रख लेना, ठीक है। अगली जानकारी जरा ध्यान से सुनो। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में कितनी होनी चाहिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि मेल में इसका परसेंटेज 13 से 18 कितना होता है, मेल पर्सन में, एक मेल एडल्ट पर्सन में 13 से 18% जो है ये हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 13 से 18 ग्राम, ठीक है, इतनी इतनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, तब तो फिट है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है कि अगर हमारी आरबीसी कम हो जाए, अगर हमारा आरबीसी काउंट कम हो जाता है तो सर किस बात की समस्या होगी, और अगर हमारा आरबीसी काउंट ज्यादा हो जाए तब हमें किस प्रकार की समस्या हो जाएगी, ध्यान से सुनो। तो एक दोस्तों आपको एक डिजीज याद रखनी है, इसका नाम होता है ल्यूकोएनीमिया। क्या होता है इसका? इसका नाम होता है पॉलीसाइथेमिया। क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, ये जो पॉलीसाइथेमिया है यह एक प्रकार की डिजीज है। ये होती कब है? तो ये आरबीसी के बढ़ने से होती है। अब आरबीसी हमारी बढ़ कब जाती है? जैसे जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उस समय हमारी आरबीसी ज्यादा, आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं तो उस समय हमारी आरबीसी कम होती है। तो ये तो ठीक बात है कि हम फिजिकल मोड में है तो ठीक हो गया है, लेकिन कभी कभी परमानेंट हमारी आरबीसी ज्यादा हो जाती है। तो जब आरबीसी ज्यादा हो जाएगी तो आपको एक डिजीज हो जाएगा जिसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। इसमें हमारा ब्लड जो है वो ज्यादा गाढ़ा होने लगता है, ज्यादा गाढ़ा होने लगता है, ये समस्या इसमें आ जाती है। अच्छा, अगर सर हमारी आरबीसी काउंट कम हो जाएगी तब क्या हो जाएगा? तो दोस्त आपको हो जाएगा क्या? एनीमिया। आपको एक रोग हो जाएगा जिसे हम ब्लड की कमी, आरबीसी की कमी वाला रोग कहते हैं। इसका नाम होता है एनीमिया। याद रखोगे इसका नाम क्या होता है? एनीमिया। अच्छा, कुछ जानकारी आप आरबीसी के बारे में और ले लो। एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में, मात्र एक सेकेंड में हमारी आरबीसी जो है ना, एक सेकेंड की अगर बात करें तो लगभग 2 मिलियन सेल्स दोस्तों क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब बात आया कि सर एक बात बताओ, ये पैदा कहां से होती है? इतनी सेल्स अगर एक बार में डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो क्या ये सेल डिवीजन का प्रोसेस करती हैं या फिर ये कहां से आ रही है? तो दोस्त याद रखिएगा, बोन मैरो। क्या याद रखोगे? बोन मैरो। ज्यादातर जितनी भी आज मैं सेल्स के बारे में बताऊंगा इनका प्रोडक्शन बोन मैरो से होता है। आप लोगों को बोन मैरो नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो बोन मैरो का क्या होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को चिकन खाते हुए, मटन खाते हुए देखा होगा, तो कभी कभी वो क्या करता है, तो हड्डी वाला मांस वाला कोनो टुकड़ा लिया है तो पूरा ऊपर वाला मांस खा जाएगा, और खाने के बाद क्या करता है, हड्डी बच गई, व्हाइट व्हाइट आपको एक हड्डी वाला स्ट्रक्चर दिखता है। तो कुछ लोग क्या करता है तो उसको अंदर से देखोगे ना, इसे तोड़ देगा, ठीक है, ऐसे करके तोड़ देगा। तोड़ने के बाद अंदर वाला मुंह लगा कर खींचता है तो कहेगा कि इसमें बड़ा प्रोटीन वोटीन भरा है, बड़ा सेहत के लिए ठीक होता है। आप लोगों ने, कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा। तो हमारे बोन के अंदर क्या होता है? बोन मैरो होता है। अब उसमें भी दो बोन मैरो होते हैं, एक रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। तो हमारा जो रेड बोन मैरो होता है वहीं से ज्यादातर सेल्स का प्रोडक्शन होता है, वहीं से ज्यादातर सेल का प्रोडक्शन होगा। और हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। उस स्प्लीन अर्थात प्लीहा में इन सेल्स का एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये सेल्स वहां पे जाके खत्म हो जाती है। क्या याद रखोगे? बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है, बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है, इस बात को आपको याद रखनी है, बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको इस आरबीसी के बारे में याद रखना है। क्या याद रखोगे? ठीक है, मेल में 50 से 55 लाख होती है, फीमेल में 40 से 45 लाख। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है, 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए। एंड अगर आरबीसी बढ़ जाती है तो हमें क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। और अगर आरबीसी काउंट कम हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। और एक सेकेंड की बात करें तो दोस्त हमारी बॉडी में लगभग 2 मिलियन सेल्स जो है, 2 मिलियन जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
बोन मैरो में इनका निर्माण होता है और स्प्लिन में क्या होता है ये फिनिश हो जाती है। रक्त को लाल रंग देना, ये जो लाल रंग होता है ना रक्त का, ये आरबीसी के कारण ही होता है। जो ब्लड का लाल रंग होता है वह आरबीसी के कारण ही होता है। और एक जानकारी दोस्तों और याद रखना है, इस आरबीसी के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, इनके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है। और याद रखना यह प्रोटीन क्या करती है, इस सेल का एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप में आपको बताऊंगा कि आरबीसी के ऊपर किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उसी से निर्धारित होता है कि आपके ब्लड का एंटीजन क्या होगा, अर्थात एंटीजन का निर्धारण में भी ये सहायता प्रदान करती है एंटीजन। एंटीजन अभी नहीं समझ में आ रहा एंटीजन तो कोई बात नहीं, ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, बस अभी के लिए इतना समझो कि आरबीसी की सरफेस पे एक प्रोटीन पाई जाती है और यह प्रोटीन जो है आपके ब्लड में एंटीजन का निर्धारण करती है। फिर किस प्रकार के आपका, किस प्रकार का आपका एंटीजन है, जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास एंटीजन कैसा होता है ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीजन कैसा होता है बी होता है। इसका मतलब यह है कि आरबीसी की सरफेस पे जो प्रोटीन लगी है वही एंटीजन को बताती है। बात क्लियर हो गई, एंटीजन तक बात क्लियर हो गई। एक दोस्त नाम और याद रखिएगा, आरबीसी का एक नाम और होता है, इसे हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, कभी कभी ये भी पूछ लेता है इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, बस इतनी जानकारी अगर आप आरबीसी के बारे में रखते हो तो आपका काम बन जाएगा, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं याद करना है, इतनी जानकारी बस आप आरबीसी के बारे में अच्छी तरीके से याद रखना, नोट कर लो इसको, यहां तक अच्छी तरीके से नोट कर लो। चलिए हो गया, आइए अब हम लोग समझते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, अब हम लोग समझते हैं। अच्छा जीवन काल, अभी याद है ना, जीवन काल अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, 120 दिन होता है इसका टाइम पीरियड। आरबीसी का कितना होता है 120 दिन, टाइम पीरियड आरबीसी का कितना होता है 120 दिन। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में इसका एक नाम और होता है दोस्त, इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अगर बात किया जाए कि सर हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होना कितना चाहिए, तो लगभग लगभग 6000 से 10000 इनकी संख्या होनी चाहिए, 6000 से 10000 इनकी संख्या होनी चाहिए। इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, तो अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, अमीबा के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। अमीबा देखे हो ना, कुछ इस तरीके से करके स्ट्रक्चर मिलता है, ये इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। सर इनका काम हमारी बॉडी में क्या होता है, इनका काम जरा ध्यान से सुनो दोस्त, इनका काम होता है कि हमारी बॉडी में जो जर्म्स आ रहे हैं, जो फॉरेन एक तरीके से बैक्टीरिया वायरसेस आ रहे हैं, उनको किल करने का काम किसका होता है, तो वो डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है। तो एक तरीके से रोग से मुक्त कराता है, रोगों से मुक्त कराता है, मतलब कि हाँ रोगों से मुक्त या फिर रोगों से बचाता है, लिख लेता हूँ, बचाता है, डिफेंस करता है रोगों से, डिजीज से क्या करता है, ये डिफेंस करता है, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनो, एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया, क्या होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, और एक होता है ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। ये होता है दोस्त जब डब्ल्यूबीसी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, और ये होता है जब हमारी डब्ल्यूबीसी क्या होती है, घट जाती है। ये होता है डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से और ये होता है डब्ल्यूबीसी के घटने से। अब डब्ल्यूबीसी अगर आपका बढ़ और घट रहा है तो सिंपल सी बात है, एक समस्या तो होनी तय है, क्या, बहुत सारे आपको रोग हो जाएंगे, बहुत सारी आपको डिजीज हो जाएंगी। इसलिए हमारी बॉडी में एक एडल्ट पर्सन की बात करें, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, तो इतनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारी होनी चाहिए, इतनी डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो होना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। रोगों से क्या करता है, बचाता है, ल्यूकेमिया हो गया और ल्यूकोपेनिया हो गया। अगली दोस्तों बात किया जाए कि इसका जीवन काल, इसका जीवन काल होता है 10 से 13। जन्म की बात करें तो ये भी वही बोन मैरो से ही निकलेगा, जन्म की बात करें तो ये भी जो है वो बोन मैरो से ही निकलता है, ठीक है। अच्छा और क्या याद कर सकते हो आप इसमें, और देखो इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं,
इसमें टाइप्स भी होते हैं, लेकिन टाइप्स और सभी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना अगर याद रखते हो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया को आप लोग जरूर याद रखना। और एक आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूट्रोफिल्स। इसी के टाइप में आप जाओगे ना तो आपको मिलेगा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल दोस्तों इसमें 60 से 70% मतलब इसी WBC का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा इसका जो है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। जैसे ब्लड, ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, तो इसमें प्लाज्मा ज्यादा होता है, ब्लड कॉर्पसेल्स ज्यादा होती है, प्लाज्मा ज्यादा होता है। उसी तरीके से WBC में टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप में जाओगे तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, लगभग 60 से 70% होता है। और यही वाला पार्ट जो है वो बैक्टीरिया को किल करने का होता है, यही पार्ट जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। बात क्लियर हो जाएगी, यहाँ तक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही न्यूट्रोफिल्स जो है वह बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है, याद हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अब हम लोग WBC के बाद समझते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। और यहीं पे हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लड हमारा क्लोट किस तरीके से करता है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको ब्लड की क्लोटिंग और इस ब्लड प्लेटलेट्स को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या समझने वाले हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। हमारा जो ब्लड होता है ये देखो, जैसे ये हमारी एक वेन्स है, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि इसमें एक येलो कलर का एक लिक्विड होता है जिसे आप लोगों ने क्या नाम दिया, जिसे हम लोगों ने प्लाज्मा कहा। फिर हमने कहा कि एक किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा जो कि दोनों तरफ से दबा होता है, इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, RBC नाम दिया, RBC। एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा जिसे अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, जिसे हम लोगों ने WBC कहा। अब एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि एकदम तस्तरीनुमा संरचना होता है और ये बाइकॉन्वेक्स होता है, जैसे मेडिसिन होता है उसी के जैसा दोनों तरफ से खुला रहता है, उसी को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि सर इसमें एक तीसरा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो इसे दोनों तरफ से खुला रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। बात की समझ में आ गई, इसका मतलब है कि इसी ब्लड में ये पाया जाता है, क्लियर हो गया। अच्छा ध्यान से सुनो, अब हमारी बॉडी में इनकी संख्या होनी कितनी चाहिए, हमारी बॉडी में इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो हमारी बॉडी में दोस्तों 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख इनकी संख्या होनी चाहिए, 2 से 5 लाख इनकी संख्या होनी चाहिए, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाता है। अगला समझो, इनका सबसे मेन जो काम होता है वो ब्लड को क्लोट करना होता है, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना इनका प्रमुख कार्य है। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपकी बॉडी में WBC की मात्रा कम होती है तो रक्त का थक्का कम बनता है, ठीक है, रक्त का थक्का कम बन पाएगा। अब ध्यान से देखो, एक होता है कि सर हमारी जो ये वेन्स है, ये जो एक नस है, तो इसके अंदर ब्लड भरा है, तो ये ब्लड क्लोट नहीं करता है, यह ब्लड जमता नहीं है। तो क्यों नहीं जमता है, तो वह दोस्त एक इसमें प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं हिपेरिन, क्या कहते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आंतरिक ब्लड को, जो इंटरनल ब्लड को, इंटरनल जो रक्त है उसे क्लोट नहीं होने देता, उसे क्लोट नहीं होने देता। और अगर दोस्तों बात किया जाए कि सर बाहर वाला ब्लड जब कहीं से निकलता है तो क्लोट क्यों हो जाता है, तो फाइब्रिन, एक फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है जो बाहर वाले ब्लड को क्या करता है, क्लोट कर देता है, बाहर वाले ब्लड को क्या करता है, ये क्लोट कर देता है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हिपेरिन जो है वो क्या करता है, अंदर वाले ब्लड को क्लोट होने नहीं देता, जबकि फाइब्रिन जो होता है यह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फाइब्रिनोजन जो है इसे एक्टिवेट कर देगा, तो वहां से क्या होता है कि ये क्या करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और RBC उसमें जाके फंस जाती है, जिससे एक पूरा लेयर बन जाता है और ब्लड हमारा क्लोट होने लगता है। अभी उसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ, पहले आपको ये बातें नोट कर लेनी है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स में क्या होता है कि 2 से 5 लाख होना चाहिए। अभी देखो डेंगू जिसको हो रहा है तो उसका ब्लड प्लेटलेट धड़ाक से क्या हो जा रहा है, 20 से 25 हजार, किसी का 10 हजार आ जा रहा है, तो 10 हजार प्लेटलेट्स आ जाए, सबसे बड़ी समस्या क्या होगी,
उसके कुछ सिम्टम्स हैं। पहले सिम्टम्स क्या है, वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग के साथ साथ आपकी बॉडी में एक रेड कलर के चकत्ते पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। वो डेंगू का पूरी तरीके से एक लक्षण है, जब बहुत आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। इसका निर्माण बोन मैरो में ही होता है। पहले तो एक बार इसका निर्माण बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये रिकवर करने लगता है। हम लोग सीबीसी रिपोर्ट बार बार करा करके इसको हम लोग चेक करते रहते हैं कि कितना हमारा ब्लड प्लेटलेट्स अभी आया हुआ है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं कि यह जो है ब्लड हमारा किस तरीके से क्लोट करता है, इसके पूरे मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहां तक सभी लोगों का नोट हो गया है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारा ब्लड क्लोट कैसे करता है। ध्यान से, ये स्किन है और इस स्किन पे जब कभी कट लगता है तो कट लगने से क्या होता है कि वहां से ब्लड हमारा बाहर निकलने लगता है। तो हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग बचने के लिए इसको ऊपर से, अगर नॉर्मल कट है तो उसको दबाए रहते हैं, तो कुछ देर दबाए रहेंगे तो ब्लड हमारा आसानी से क्लोट कर जाता है। ठीक है, बहुत सारे महानुभाव होते हैं वो क्या करते हैं, एक मिट्टी रख करके दबा देते हैं, कहते हैं कि मिट्टी से जल्दी हो जाएगा वो। अरे भैया समझो, इस समय मिट्टी सॉइल में बहुत ज्यादा इंफेक्शन है और वो क्या करेगा, इतना ज्यादा पोल्यूशन उसमें है कि जब आप यहाँ दबाओगे तो मिट्टी भी आपके ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगी, और ब्लड में अगर इंजेक्ट मिट्टी हो गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कभी ऐसा काम ना करो। कुछ लोग कहीं पे चोट लगता है तो गंदे कपड़े से ही उसको दबा देते हैं, ऐसा भी ना करो आप, साफ सुथरे कपड़े से करो, नहीं तो आपके ब्लड में इंफेक्शन होने का चांस हो जाएगा और ब्लड इंफेक्शन बड़ी घातक बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा काम आप लोग नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, ये हमारा स्किन कट गया, जब ये कट जाता है तो यहाँ से ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है और जो टिश्यूज हमारे कट गए हैं वो सभी क्या करते हैं, एक पदार्थ को निकालते हैं। भैया जाओ तुम अपना काम करो, उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, याद रखना क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या हुआ, जब ये कट गए तो सबसे पहले यहां से क्या निकाला गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन को निकाला गया। किसको निकाला गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन जगाता है कैल्शियम डबल प्लस को, कहता है साहब जग जाओ तुम्हारी जरूरत है मुझे, कहता चलिए साहब हम तो जग गए अब बताइए क्या काम। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम डबल प्लस, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, ये दोनों मिल करके, फिर से सुनो, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को, किसको, प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनो, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये सीए डबल प्लस जो है, ये दोनों मिल गए और मिलने के बाद ये लोग ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कहते हैं साहब आपकी भी जरूरत है और आप अपने आप को जल्दी कन्वर्ट करो। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब फिर देखो क्या होता है, ये थ्रोम्बिन जो है ये क्या करता है, ब्लड में उपस्थित एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ये जो फाइब्रिनोजन है इसको क्या करता है, ये थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये फाइब्रिन क्या करता है, पतला पतला एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ब्लड की सरफेस पे इस तरीके से बनाता है। और होता क्या है कि इसमें आरबीसीज जब ऐसे जाती हैं, जो आरबीसीज अभी तक निकल रही थी वो इसी में जा करके फंस जाती हैं, इसी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जा करके फंस जाती हैं। और जब ये इस तरीके से दोस्तों फंस जाती हैं तो ऊपर एक ऐसा लेयर बन जाता है जिसमें क्या होता है, ये एक जाली नुमा संरचना, और उस जाली के होल में क्या होता है, आरबीसी फंसी रहती है। इस कारण जो होता है ऊपर एक लेयर बन जाती है। फिर से सुनो क्या हो रहा है, सबसे पहले जहां कट गया वहां से क्या निकला, वहां से निकला थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगली बात क्या है, सर ये दोनों मिलकर के ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या
हुआ, ये थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है, और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा और ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइब्रिन क्या करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मारने लगता है हमारे ब्लड के ऊपर, जिससे क्या होता है, ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से हमारा ब्लड क्लॉट होता है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को आज के द्वारा बताया गया, आज के इस पूरे लेक्चर में बताया गया कि हमारा जो रुधिर है, हमारा जो ब्लड है, यह कितना उपयोगी है हमारे ब्लड में, हमारी पूरी बॉडी में यह कितना रहना चाहिए, हमारे पूरी बॉडी वेट का यह कितना कवर करता है, WBC की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कहां से इसका निर्माण होता है, और साथ ही साथ आप लोगों ने ये समझा कि जब ये डिक्रीज या फिर इंक्रीज करते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। RBC के बारे में हमने आपको बताया, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, साथ ही साथ इसी के कारण हमारा ब्लड जो है वह लाल दिखता है। ये इतने फाइन होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि पतली पतली नक्स में भी यही RBC हमारे घुसे रहते हैं, जहां WBC और प्लेटलेट्स नहीं पहुंच पाएगा वहां भी हमारी RBC घुसी रहती है, क्योंकि हर जगह क्या पहुंचाना है, हर जगह हमें ऑक्सीजन पहुंचाना है, और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पदार्थ होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए काफी ज्यादा फाइन भगवान इन्हें बना दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।